जी आप कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, किया आपने घर जाके बाकी? जी हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमने इसमें सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? शिप फैब्रिक है, फिर हमारे पास है तीन कंपोनेंट थे हमारे पास, प्रोपल्शन सिस्टम कैबिन, एंटरटेनमेंट एरिया एंड कैबिन, और शिप फैब्रिक। ठीक, और मैं आपको कल समझा रहा था जनाब कि आपने जब शेड्यूल बनाना तो आपने इसी तरह कॉलम्स ओपन कर लेने, और सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस्ट ऑब्लिक वैल्यूएशन, और यहाँ पे लिखना हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर शिप फैब्रिक है जनाब 300, ऐसे ही ये कितना था? 150, और ये कितना? 100। फिर मैं आपका आपको 4-5 लाइन का गैप दे दें और फिर आप हेडिंग देंगे अकामुलेटेड डेब्ट रिसोर्स। अब आपको मैं बता रहा था कि इफेक्टिवली अगर आप देखें अपने इंट्रो के नॉलेज के साथ इसको कंपेयर करें तो बेसिकली हमने 6 अकाउंट ओपन कर लिए, 6 लेजर अकाउंट्स। ठीक, लेकिन हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया, मर्ज कर दिया, तो इफेक्टिवली ये 6 अकाउंट्स हैं। 3 अकाउंट है कॉस्ट के, 3 कंपोनेंट के, और 3 अकाउंट है उनकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये 6 अकाउंट हमने एक जगह पे कंसोलिडेट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। ठीक हो गए। अब यहाँ पर आपके ओपनिंग बैलेंसेस कल हमने कैलकुलेट किए थे, कितने आ रहे थे इसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 96,175। ये हमारे पास आ गया जनाब ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट। ठीक हो गया। फिर हमने कल प्रोपल्शन सिस्टम पे बात की, उसमें हमने देखा उसने क्या किया, उसने ओल्ड प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसको डीरेकग्नाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया, और नया प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो परचेज कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जनाब, डिस्पोजल्स, और ये कितना हो गया जनाब? पहली एंट्री प्रोपल्शन सिस्टम क्रेडिट, सो इट्स अ माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम डेबिट 75। इसका मतलब है कि हमने इस प्रोपल्शन सिस्टम को डी रेकग्नाइज कर दिया। अब चूंकि बाकी 25 जो है इसकी रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू वो रिकवर नहीं हुई बाय द सेलिंग, सो इट्स अ लॉस टू द एंटिटी। तो हमने कहा जनाब इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम हमने प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर एंडिंग क्या है? 30 सितंबर 2005। इसके साथ हम लिख देते एक्सट्रैक्ट, द वर्ड इज एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब है रेलिवेंट एरिया ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है। तो क्या लिखेंगे हम P&L के अंदर, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम। क्या डबल एंट्री हुई हमारे पास? तो हमने कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और प्रोपल्शन सिस्टम कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। ये कल हमने डबल एंट्री। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हमने नया प्रोपल्शन सिस्टम परचेज कर लिया, वो है जनाब एडिशंस। एडिशंस कितने का परचेज किया हमने? 140। और इस साल ये यूज हुआ है नया प्रोपल्शन सिस्टम कितने आवर्स? 5,000 आवर। तो हमने कहा जिसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन
प्रोपल्शन सिस्टम 140, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इसकी 50,000 आवर्स, सो डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 5,000 आवर्स, सो वी हैव अ डेप्रिसिएशन ऑफ 14. तो हमने एंट्री क्या की जनाब, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. सो यहां पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द 14. नहीं, ये हमारे पास कल तक का बात है, हमने प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसको कल हमने सॉल्व किया. अब हम क्वेश्चन को आगे अगर लेके चले तो आगे क्या स्टोरी हमें वो सुनाता है. कहते जनाब ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था तो कंपनी ने सोचा कि ये जो बाकी दो कंपोनेंट्स हैं इनको भी कुछ बेहतर कर लिया जाए. ऐसे ही कैबिन पर उन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए, कैबिन पर उन्होंने स्पेंड किए 60, जिससे क्या हुआ कि उसकी लाइफ जो है वो पहले से चेंज हो गई. कितनी चेंज हो गई, कहते अब उसकी रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर. पहले कितनी रह गई हुई थी, पहले रह गई हुई थी आपने 96 में शिप बाय की और हम स्टार्ट ऑफ द ईयर है हमारा 4 सितंबर तक. तो अगर आप देखें तो कितने साल गुजर चुके थे, तो हम कहते हैं अब 8 साल गुजर चुके थे और टेबल पे मैं बता रहा इसकी यूजफुल लाइफ थी 12 ईयर्स. इसका मतलब इसकी लाइफ रहती थी 4 ईयर्स. अब जब आपने 60 मिलियन इस पर फर्दर स्पेंड किए तो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बढ़ गई. इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इंक्रीज हो गए. तो 60 मिलियन को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. तो इट शुड बी कैपिटलाइज विद इन द कैबिन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज. तो क्या एंट्री करेंगे, कैबिन एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट. तो यहां पर यह जो हमने एडिशन लिखा हुआ है इसके आगे हम लिख देंगे 60, इट बिकम्स 210. 60 कैपिटलाइज हो. अब आपने इसकी डेप्रिसिएशन लेनी, जब आप इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे तो इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, हैज बीन चेंज. ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑफ एंटरटेनमेंट कैबिन, तो मैंने बताया था कि ये तमाम एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर ये कब हो चुके हैं, साल के शुरू में. रिज्यूम करेंगे सब साल के शुरू में हो चुका. ठीक, इसका मतलब है जो ऑलरेडी हमारे पास कैबिन था उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, पहले हमें वो लेनी पड़ेगी कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि एस्टिमेट बदल गया. कितनी आएगी, 150 माइनस 100. ठीक, तो आपके पास कितना बच गया जनाब, 150 प्लस 60 आपने इस साल जो इनकर किया, तो टोटल कितना बन गया, 110. ऐसे ही तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे जी, 110 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया जनाब. So depreciation for the entertainment and cabin is 22. सही हो गया, तो आप यहां पर लिख देना आप depreciation है जी इसकी 22. ठीक हो गया. फिर इसके बाद तीसरा क्या हुआ, कहता हमने शिप फैब्रिक जो था उसको क्या करा लिया, पेंट करा लिया. अब रीपेंट जब हम कराएंगे तो ये क्या होगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज होगा, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करते हैं. इसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू राइट इट बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग कैपिटलाइज्ड, ये राइट ऑफ हो जाएगा. तो इसका मतलब इसको स्ट्रेट अवे हम कहाँ पर लिख देंगे, P&L रीपेड. कितने का हुआ रीपेड, 20 का रीपेड. ठीक, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, दैट्स इट. डेप्रिसिएशन बाकी रहेगी इसकी शिप फैब्रिक, कितनी आएगी इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी यूजफुल लाइफ है 25 साल, तो निकाल ले जी पर ईयर कितनी आती है, 300 डिवाइडेड बाय 25 शिप फैब्रिक, 300 डिवाइडेड बाय 25 कितनी आ गई, 12, सो इट्स अ 12. तीनों को प्लस कर लें डेप्रिसिएशन को, 14 प्लस 22 प्लस 12 कितनी आ गई, सो डेप्रिसिएशन
48 सही हो गया। अब आप इसको लिखेंगे आप एट द एंड 300 210 140 ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कॉस्ट का। इसी तरह इधर लिखें एट द एंड ये कितना बन गया जनाब 108 122 14। इसके बाद लिखें कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू 300 माइनस 108 190 210 माइनस 122 सॉरी 88 126 ये क्या आ गया हमारे पास कैरिंग वैल्यूज ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बन गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2005। क्या जना हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट शिप फैब्रिक किस वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे हम इसको बैलेंस शीट के फेस पे 192 देन एंटरटेनमेंट कैबिन 88 देन प्रोपल्शन सिस्टम 126। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहाँ पे बनता है ये वाली जो वर्किंग, ये वर्किंग बन रही है नोट्स टू द अकाउंट, इट इज इन द नोट्स टू द अकाउंट। ठीक हो गया, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट मूवमेंट बता रहे हैं हम इसमें, इट्स अ रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट साल के शुरू में कितनी, ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस क्या है, साल के एंड पे कितनी। इसी तरह इट्स अ रिकंसिलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू में कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर इसमें क्या मूवमेंट्स आई, साल के एंड पे कितनी, एंड द कैरिंग वैल्यू। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द नोट्स टू द अकाउंट। ठीक हो गया, और फेस पे हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम नॉर्मली कहते हैं फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेस ऑफ द एसओएफपी। तो वहां पर हम अपनी वर्किंग का रेफरेंस देंगे कि जहां पर इफ यू वांट टू सी द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द ईयर तो आप कहां पे देख सकते हैं, नोट्स टू द अकाउंट पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये कल वाला हमारा क्वेश्चन है जिसपे आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा घर पे, इस पे कोई सवाल आपने पूछना हो एनीथिंग डन। चलो कल हम पढ़ रहे थे जनाब आखिर पे जिधर से हम इस सवाल पे गए, और वो था जी हमारे पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और हमने कहा जनाब दो मॉडल, एक हमने बात की पहले कल कॉस्ट मॉडल पे, और हमने कहा जी कॉस्ट मॉडल में पीपीई जो है वो रिपोर्ट होता है कैरिंग वैल्यू पे, दिस इज द कैरिंग वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एंड दैट इज द कैरिंग वैल्यू। ठीक, और इसके अलावा हमने बात की चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पे, स्पेशली कल हमने बात की और हमने कहा जनाब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है उसका अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होगा, इट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसको हमने कहा जी इसकी क्या मीनिंग है, तो हमने कहा जनाब इसका मीनिंग है कि इट विल अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशली हमारी इस पर कल डिस्कशन रही। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में आई 60 की क्या रिक्वायरमेंट है कि हर अकाउंटिंग ईयर एंड पे एंटिटी जो है वो रिव्यू करेगी अपने तमाम एस्टिमेट्स को, किस लिए, ये देखने के लिए कि क्या एस्टिमेट अभी भी वैलिड हैं या के नहीं है, आर दे रिक्वायर चेंज और नॉट, अगर चेंज है तो आपने उसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देना। तो ये था हमारे पास कॉस्ट मॉडल, आज हम नेक्स्ट मॉडल पर चलेंगे एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग वन, और वो है जनाब हमारे पास कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल। दादू जनाब देखिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल नंबर टू एंड दैट इज रिवैल्यूएशन मॉडल।
रीवैल्यूएशन मॉडल IS-16 जो है वो अलाउ करता है एंटिटीज को कि एंटिटीज अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको ईयर एंड पे रीवैल्यू कर सकते हैं अगर उनकी फेयर वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कैरिंग वैल्यू और डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा तो आप उसको क्या कर सकते हैं IS-16 अलाउ करता है कि जनाब एंटिटी कैन री वैल्यू देयर एसेट्स अब इसमें हम टर्म यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू क्या होती है जनाब इसके बारे में जनाब डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस मिलती है इसको लिख लें अपने पास फेयर वैल्यू द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड और अ लाइबिलिटी कैन बी सेटल्ड The value at which an asset can be sold or a liability can be settled in an orderly transaction. In an orderly transaction. ठीक हो गया अब चूंकि हम यहां पर एसेट की बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है वो दैट इज रेलेवेंट हियर कि वो वैल्यू जिस पर एसेट को बेचा जा सकता हो यानी कि अगर हम देखें तो करीब तरीन हमारे पास जो आती है एस्टिमेट वो उसकी मार्केट वैल्यू रीसेंट मार्केट वैल्यू में वो एसेट कितने का बिका होगा इट कैन बी एन एस्टिमेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ठीक इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज दो रिलेटेड पार्टीज के दरमियान ट्रांजेक्शन ना हो जैसे अगर आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें तो पेरेंट और सब्सिडरी जो है इट दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी ठीक जैसे आप कोई चीज़ बेच रहे हो और अपने भाई को बेच रहे हो तो उसका मतलब है उसमें जो वैल्यू आप ड्राइव करेंगे दोनों आफ्टर द बार्गेन बहस करने के बाद वो वैल्यू नहीं होगी जो मार्केट में आप जाते तो बेचते सो इट हैज समथिंग टू डू विद द रिलेशनशिप तो इसको हम फेयर वैल्यू नहीं कहते When the fair value means in an orderly transaction means the transaction should not be between the related parties. Related parties वो होती हैं which can influence each other. जो एक दूसरे को influence कर सकते हैं तो उसको हम normally कहते हैं related parties. तो orderly transaction नहीं होगी. When the transaction is between the related parties, it will not consider to be a orderly transaction. तो इसका मतलब दो independent parties के दरमियान अगर transaction हो रही है तो उसमें जो value आएगी उसको हम क्या कहते हैं फेयर वैल्यू सो द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन इज नोन एज फेयर वैल्यू ठीक हो गया अब IS-16 ये कहता है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट और डिफरेंस सब्सटेंशियल है और आप मैनेजमेंट के ख्याल में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि अगर इसको ना कंसिडर किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो डिस्टॉर्ट हो रहा तो IS-16 कहता है आप रीवैल्यू का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे तो फिर आपने एक बात याद रखनी है कि क्लास ऑफ द एसेट जिस क्लास को आप रीवैल्यू करने लगे हैं पूरी की पूरी क्लास रीवैल्यू होगी मतलब अगर आप लैंड को रीवैल्यू करने लगे हैं तो एंटिटी के पास जितने भी लैंड्स हैं वो सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप लाहौर में जो लैंड है उसको रीवैल्यू कर लें और जो दूसरी लैंड है उसको आप जहाँ पर आपको पता है प्राइस इंक्रीज नहीं हुई उसको आप रीवैल्यू ना करें सो द होल क्लास ऑफ द एसेट शुड बी रीवैल्यूड इसको स्टैंडर्ड कहते हैं चेरी पिकिंग इज डिसअलाउड द चेरी पिकिंग मीन जो एसेट जिनकी वैल्यूज में बड़ा इंक्रीज आया हुआ है गेन आया उनको आप रीवैल्यू कर लें और जिन पे डिक्रीज आया हुआ है उसको आप रीवैल्यू ना करें तो चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड इट मीन्स द होल क्लास ऑफ द एसेट शुड बी री वैल्यू मतलब ये नहीं होगा कि आप लैंड आपके पास पाँच फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड है और आप दो री वैल्यू कर रहे हैं और तीन री वैल्यू ना कर रहे हैं ऐसे नहीं होगा देन अगर आप किसी एक के बारे में सोचेंगे कि इसको री वैल्यू करना है तो पाँच के पाँच जो है वो री वैल्यू होंगे इसको हम कहते हैं द होल क्लास ऑफ द एसेट शुड बी री वैल्यू नंबर वन
सेकेंड स्टैंडर्ड ये कहता है कि वंस आपने ये मॉडल ऑप्ट कर लिया रिवैल्यूएशन का, तो फिर आपको रेगुलरली एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि ये वन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी फिर, देन इट हैज टू बी रिवैल्यूड रेगुलरली। नॉर्मली स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है आफ्टर 3 ईयर्स आपको एसेट को क्या करना है, रिवैल्यू करते जाना। और अगर आपको लगता है कि एसेट की वैल्यू में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं तो फिर एवरी ईयर भी रिवैल्यूएशन की जा सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा रिवैल्यू किया और उसके बाद कई साल आपको पता ही नहीं रिवैल्यू करना था कि नहीं। सो वंस यू अडॉप्ट द रिवैल्यूएशन, द एसेट शुड बी रिवैल्यूड रेगुलरली, रेगुलर इंटरवल पे उसको आपने रिवैल्यू करना। और नॉर्मली इट इज़ जनरल प्रैक्टिस दैट इट इज़ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आपको एसेट को दोबारा से रिवैल्यू करना। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है सबसे पहले, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप हम चलते हैं कि रिवैल्यूएशन, अगर एक एंटिटी रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर ले और एसेट्स को रिवैल्यू करना चाहे तो उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कैसे करना, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द रिवैल्यूएशन, ठीक। इसको आपने इस तरह से देखना, सबसे पहले आपने ये देखना कि जनाब एंटिटी रिवैल्यू करने जा रही है एक नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट। कौन सा होगा नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट? इट्स अ लैंड, इट्स अ लैंड। लैंड इज अ एसेट जो कि कंसिडर टू बी एज अ नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट। या फिर पॉसिबिलिटी दूसरी है और वो क्या है, कैन इट इज गोइंग टू रीवैल्यू अ डेप्रिसिएटिंग एसेट, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। तो हम दोनों को एग्जाम्पल लेके चलेंगे जनाब, कि अगर लैंड रीवैल्यू हो रही है और बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है तो किस तरह से आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी कंपनी के पास एक लैंड है, कंपनी ने परचेज की थी लैंड 100,000, लैंड रुपीज 100,000। कंपनी डिसाइडेड टू रीवैल्यू द लैंड इन द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, और इस वक्त लैंड की फेयर वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 150,000, 150,000 इसकी फेयर वैल्यू। अब आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जनाब लैंड को जब हम रीवैल्यू करेंगे तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द जर्नल। सबसे पहले आपने ये सीखना है व्हाट इज द जर्नल टू रीवैल्यू द नॉन करंट एसेट, एंड इट्स इज अ नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लेजर में लैंड जो है उसका बैलेंस कितना आ रहा है अकाउंट का, 1,00,000, आपने इसको 1,50,000 पे लेके जाना, ठीक। तो क्या करना चाहिए हमें अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, तो हम कहते हैं लैंड अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने से कितना वेट डाल दें डेबिट साइड पे, तो बैलेंस 50,000 से लैंड को अगर हम डेबिट कर दें तो लैंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ऐसे। तो हम कह रहे हैं जनाब लैंड अकाउंट डेबिट विद 50,000। सो क्रेडिट किसको करें, तुम कहते हैं ये इट्स ए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। और ये इंक्रीज जो है किस वजह से आया, बिजनेस का इसमें कोई रोल नहीं, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। मार्केट चेंजेस है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक। जहाँ पर आपका लैंड है वहाँ पर प्राइसेस बढ़ गए, आपका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं जाएगा। सो द इंक्रीज बिलोंग्स टू द कंपनीज ओनर, सो इट विल गोज टू द इक्विटी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट विल गोज टू द कैपिटल, विल गोज टू द इक्विटी। वहाँ पर हम इसको एक अकाउंट के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व, इट इज नोन एज रीवैल्यूएशन रिजर्व। इट्स अ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द बिजनेस, मतलब ओनर की इक्विटी का कंपोनेंट है ये। याद, प्रॉफिट भी कंपोनेंट है इक्विटी का, लेकिन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वो गेन्स होते हैं जो बिजनेस ने अर्न किए होते हैं, लेकिन ये वाला गेन्स जो है ये बिजनेस ने अर्न नहीं किया। सो वी कीप इट सेपरेट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको हम किस अकाउंट में रखते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। तो एंट्री क्या बनेगी,
लैंड अकाउंट डेबिट विथ 50,000 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व विथ 50,000। अब आपका बैलेंस शीट में लैंड कितने पे रिपोर्ट होगी? तो कहते हैं 50 जमा 1 लाख 1.5 लाख। और एसओएफपी में इक्विटी के अंदर एक और अकाउंट इमर्ज होगा जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। उस पर कितना बैलेंस आ रहा होगा, 50,000। तो अगर हम के एसेट्स को जब हम रीवैल्यू करते हैं तो डबल एंट्री क्या होगी? एक्चुअली वी आर नॉर्मली वी आर रिकॉर्डिंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, सो द एसेट अकाउंट इज डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिट। तो आपने इंक्रीज रिकॉर्ड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, दैट इज अ बिल्डिंग। तो हम कह रहे हैं जनाब, बिल्डिंग इज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। अब सपोज करें जी, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट है 100,000। बिल्डिंग 100,000, इसकी यूजफुल लाइफ है फॉर एग्जाम्पल 50 ईयर्स, 50 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएशन मेथड है जनाब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन, निल रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया जनाब। अब अगर मैं आपसे एक पूछूं कि जनाब इसका डेप्रिसिएशन रेट क्या बन रहा होगा, तो मैंने 2% बन रहा, 2% इज द डेप्रिसिएशन रेट। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एसेट 20% के हिसाब से पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएट हो रहा है, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 5 साल। सो वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम परसेंटेज टू द यूजफुल लाइफ, फ्रॉम यूजफुल लाइफ टू द परसेंटेज। ठीक, तो मेथड क्या है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूजफुल लाइफ 50 ईयर्स, बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब एट द एंड ऑफ द 10th ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, 10वें साल के आखिर एंटिटी ने बिल्डिंग को क्या कर दिया है, रीवैल्यू कर दिया, एंटिटी हैज रीवैल्यूड द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। एंटिटी रीवैल्यू द बिल्डिंग और इसकी फेयर वैल्यू है उस वक्त, आप रिज्यूम करें ए, इट इज 120,000, बी 95,000। दोनों सूरतों में बिल्डिंग को रीवैल्यू किया कि 10 साल के बाद एंटिटी डिसाइडेड टू रीवैल्यू द बिल्डिंग एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट दैट टाइम, एक ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू थी 1,20,000। दूसरी सूरत में, सिचुएशन में ऑप्शन है कि इसकी फेयर वैल्यू है 95,000। ठीक हो गया। अब अगर हम इसका लेजर बनाएं तो लेजर अगर हम बनाएं तो बिल्डिंग का जो कॉस्ट अकाउंट है इस पे कितना बैलेंस होगा 10वें साल के आखिर, बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट क्या बैलेंस होगा इसके ऊपर, 1 लाख ही होगा ना, बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट तो 1 लाख पे ही होगा। अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 10 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी बन गई पर एनम, 10 साल के साथ मल्टीप्लाई करते 2,000 × 10, इसका मतलब अकॉमुलेटिव डेप्रिसिएशन का 10वें साल के एंड पे बैलेंस कितना होगा, 20,000। 10वें साल के शुरू में कितना होगा, 18,000। हम रीवैल्यूएशन कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। इसका मतलब अगर मैं 10th ईयर का लेजर बनाऊं तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 18,000। फिर मैं 10वें साल की डेप्रिसिएशन लूंगा, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 2,000 से। और इसका बैलेंस कितना आ रहा होगा, ये हुआ होगा 10वें साल में, ऐसे ही। अब हम 10th ईयर के एंड पे ये कह रहे हैं कि हमने बिल्डिंग को करना है रीवैल्यू। एक सिचुएशन में हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जनाब इसकी फेयर वैल्यू है 1,20,000, हमने बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, कहां पे लेके जाना है, 1,20,000। I-16 ये कहता है कि जब आप एक डेप्रिसिएटिंग एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उस पर
उस दिन तक जिस दिन आप रीवैल्यू कर रहे हैं, जितनी आप डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उसको जीरो कर दें, उसको क्या कर दें आप, रीसेट टू जीरो, उसको जीरो कर दें। ये किस किस सूरत में हो रहा है, जब एसेट डेप्रिसिएटिंग, जब हम डेप्रिसिएटिंग एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन आईएस 16 ये कहता है कि उस एसेट पे जितनी भी आप उस दिन तक डेप्रिसिएशन ले चुके हैं उसको आपने क्या कर देना है, जीरो कर दिया। तो अगर मैं इसको जीरो करना चाहूं तो क्या करूं, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, कितने से, 20,000 से, 20,000 से डेबिट करते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं जर्नल अगर हम यहां पे बनाए तो हम कह रहे हैं जी क्या बन रहा है जर्नल, जर्नल ये बन रहा है जर्नल, पता ना जब मैं वर्ड जर्नल यूज करता हूं इट मींस द डबल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिव्यू। तो जर्नल क्या बन रहा है, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से जनाब, 20,000 से। क्रेडिट किसको करें, कहते हैं उस एसेट अकाउंट को कि कॉस्ट अकाउंट को जिसको आप रीवैल्यू कर रहे हैं, तो वो कौन सा अकाउंट है जी, बिल्डिंग अकाउंट। सो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आप देखें जब आप ये एंट्री पोस्ट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा जनाब, यहां पर आ जाएगा जी बिल्डिंग 20,000। ये क्या हो जाएगा बैलेंस इसका, इट इज रीसेट टू जीरो, जीरो हो गया ऐसे। और यहां पर आप लिखेंगे अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इस पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 80,000। नाउ इट इज 80,000। अब आपने इसको 80,000 से उठा के कहां पे लेके जाना है, 1,20,000। कितने का इंक्रीज आ रहा है, 40,000। तो क्या एंट्री करें, यही वाली एंट्री करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो दूसरा जर्नल क्या बना जनाब, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड दैट इज 40,000। अब आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट आ गया कितने का जनाब, रीवैल्यूएशन रिजर्व 40,000। और एक और अकाउंट आ गया हमारे पास, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और इसमें आपने क्या लिख दिया जनाब, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ये पोस्ट हो गया। अब बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 1,20,000 जो कि उसकी फेयर वैल्यू एट द ईयर। अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे बैलेंस क्या आ रहा है, जीरो। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे रिपोर्ट होगी, 1,20,000 को, और एक्विटी में रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने पे रिपोर्ट हो रहा होगा, 40,000 रीवैल्यूएशन होगी। ठीक, अब आप इन दो एंट्रीज को जरा देखें। हम कहते हैं यार अगर अगर आपको ये समझ आ गई इन दोनों एंट्रीज, ओके क्लियर है। ठीक, अब इन दो एंट्रीज को अगर हम देखें तो हम कहते हैं दो एंट्रीज करने की क्या जरूरत है, क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो मेक इट अ कंपाउंड एंट्री, दो एंट्रीज को मिला के एक एंट्री अगर की जाए तो हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते, तो हम देखते हैं इन दोनों एंट्रीज को। हम देखते हैं इस एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ, तो नेट बिल्डिंग 20,000 से डेबिट हुआ। अगर हम इन दोनों को देखें तो नेट बिल्डिंग अकाउंट का डेबिट आ रहा है कितने से, 20,000 से, और अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में डेबिट है, इधर नहीं है, इसका मतलब है नेट अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट है 20 से। रीवैल्यूएशन इधर क्रेडिट है और इधर नहीं है, इसका मतलब है नेट रीवैल्यूएशन क्रेडिट है 40,000। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो एक कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। क्या बनेगी जनाब, कंपाउंड एंट्री रीवैल्यूएशन की। इसको आप इस तरह से करेंगे पेपर में, बड़े आराम से, सादा सा स्टेप नंबर वन, और बड़े आराम से आप कर सकते हैं इजीली। जब भी हम एसेट की रीवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट करेंगे तो स्टेप नंबर वन ये है कि अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस दिन तक जितना भी उस पर बैलेंस पड़ा है उसको जीरो करना है हमें, स्टेप नंबर वन।
इसका मतलब जब आपने accumulated depreciation को जीरो करना है तो वो डेबिट होगा. सो accumulated depreciation अकाउंट डेबिट विद 20,000. ठीक, इसमें कोई बहाम नहीं है, कोई वहम नहीं करना आपने. तमाम डेप्रिसिएशन विल बी रीसेट टू जीरो अप टू द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. तो ये ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा. जब भी आप रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट करेंगे, अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन रीसेट टू जीरो. स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, क्रेडिट द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट विद द डिफरेंस ऑफ द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. ठीक हो गया जनाब. कि आपने क्या करना है कि एस रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करना है किससे? डिफरेंस ऑफ द फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन. अब आप देखें हमारे सिनेरियो वन में इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 1,20,000. और इसकी कैरिंग वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1,00,000 माइनस अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस दैट इज 20,000. कितना आ गया जनाब? 80,000. तो 1,20,000 माइनस 80,000, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट बनता है 40,000, 40,000. जब आप ये दोनों काम कर लें तो अब आप देखें डबल एंट्री पूरी करने के लिए जो तीसरा अकाउंट है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा. तो इस सिनेरियो में तीसरा अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग, जिसको आप रिवैल्यू कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगा. तो यहां पे हम लिख देंगे बिल्डिंग का कितने से जनाब? 20,000. तो कंपाउंड एंट्री पूरी होगी. ठीक, स्टेप नंबर वन, डेबिट द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. किस अमाउंट के साथ? जो भी उस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उस दिन, जो भी बैलेंस पड़ा उससे उसको डेबिट करते हैं. नंबर वन. नंबर टू, क्रेडिट द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. किस से क्रेडिट करें? विद द डिफरेंस ऑफ द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. द डिफरेंस बिटवीन द टू, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, वी विल कॉल इट बैलेंसिंग फिगर, मीन्स जिससे डबल एंट्री पूरी हो जाए, डेबिट क्रेडिट्स पूरे हो जाए, तो वो अमाउंट कभी डेबिट साइड पे आ रही होगी, कभी क्रेडिट साइड पे आ रही होगी. तो अभी हमारी इस पास सिचुएशन में किधर आ रही है? डेबिट साइड. तो हमें लिख दिया जनाब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद 20,000. ठीक हो गया. अब इसी पैटर्न को यूज करके आप एज्यूम करें कि अगर फेयर वैल्यू 95,000 हो, बाकी चीजें ऐसे ही हैं जैसे पहले हैं, तो तब ये एंट्री क्या बनेगी? पास दिस एंट्री, अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000. आगे ये स्टेप नंबर वन हो गए. स्टेप नंबर टू क्या है? कितने से? 20,000. मैंने आपको बताया स्टेप नंबर वन, रीसेट द अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू जीरो. इसका मतलब है वो होगा ही डेबिट हमेशा, क्योंकि अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? क्रेडिट. जब आपने उसको जीरो करना है तो उसको डेबिट करके ही जीरो करना, इसका मतलब वो तो होएगा डेबिट. ठीक, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने इंक्रीज रिकॉर्ड करना, इसका मतलब वो होएगा क्रेडिट. स्टेप नंबर टू, इसके बाद आपने ये देखना है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितनी अमाउंट जा रही. तो हमने कहा जी वो कैसे डिटरमिन करनी है? फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस. अब सिनेरियो बी में हमने फेयर वैल्यू कितनी अज्यूम की है? 95, और उसकी कैरिंग वैल्यू 80 है. इसका मतलब डिफरेंशियल कितने का बना? 15,000. सो रिवैल्यूएशन रिजर्व 15,000, 15,000. अब आप देखें व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर नाउ? इट्स अ 5,000. किस साइड पे लिखनी पड़ेगी? बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट विद 5,000. इसलिए हम कह रहे हैं जो तीसरा अकाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट होगा विद द बैलेंसिंग फिगर. जैसे पहले में वो डेबिट हुआ है विद द बैलेंसिंग फिगर ऑफ 20,000, और दूसरे में वो क्रेडिट हो रहा है विद द बैलेंसिंग फिगर 5,000. ठीक, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती. टू,
बिल्डिंग 5,000। अब जब आप ये एंट्री पोस्ट करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा? 95,000। अकाउमुलेट डेबिट का बैलेंस कितना होगा? जीरो। बैलेंस शीट में कितने पे रिपोर्ट हो रही होगी बिल्डिंग? 95,000। ठीक हो गया। और रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना चल रहा होगा? 15,000। ठीक हो गया जनाब। चले जनाब, सो व्हाट इज द एंट्री फॉर द रीवैल्यूएशन? तो हम कह रहे हैं जनाब, सादा से लफ्जों में जब आप आगे जाएंगे तो पता ये चलेगा कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंट्री सादा सी है, बस एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हम गौर करें, इंक्रीज अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एंट्री तो यही है, एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। इससे प्रीवियस एंट्री जो है वो डेप्रिसिएशन को जीरो करने, इन दोनों को मिलाएंगे तो वो एंट्री बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं। ये मिटा दो, ये वाला जर्नल लिख लिया आपने। जनाब, ये 10th ईयर के एंड पे हमने जनाब बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लिया और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है? तो हमने कहा जी इट्स अ निल बैलेंस। तो इसका मतलब है जब 11th ईयर में हम इस अकाउंट को रीओपन करेंगे तो इस पे बैलेंस कोई नहीं, देयर इज नो बैलेंस, इट्स अ जीरो, ऐसे ही। और बिल्डिंग अकाउंट जो है इसको जब हम रीओपन करेंगे इन द 11th ईयर तो इस पे बैलेंस कितना जनाब? इस सूरत में हमारे पास है 1,20,000। और बिल्डिंग अकाउंट जो है इसको हम, और रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है इसका बैलेंस कितना होगा क्रेडिट साइड पे? इट्स अ 40,000। सो वी आर इन 11th ईयर नाउ, 11वें साल में। 10वें साल के एंड पे हमने रीवैल्यू कर लिया इसको। नाउ वी आर इन द 11th ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। सही हो गया ना? अब 11वां साल भी खत्म होगा। ज्यूम करें हम, वी आर एट द एंड ऑफ द 11th ईयर। अकाउंटेंट साहब बैठे हैं बिल्डिंग को डेप्रिसिएट कर, ज़्यादा यूज किया आपने बिल्डिंग डेप्रिसिएट कर। अब ये सोच रहा है कि ओरिजिनली इसकी लाइफ 50 थी, इट्स अ 50 ईयर्स, डेप्रिसिएशन कैसे लेनी है इस पर? ठीक, तो I-16 उसको गाइडलाइंस देता है, कहता है जनाब जब आप एक एसेट को रीवैल्यू कर लें तो उसकी डेप्रिसिएशन अब कैसे कैलकुलेट करनी है आपने याद रखना है, दैट इज अ रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट। कैसे कैलकुलेट होनी है जनाब? रीवैल्यूड अमाउंट Divided by remaining useful life. Revalued amount divided by remaining useful life. अब 11वें साल की अगर हम depreciation calculate करें building की तो कितनी आएगी जनाब? तो हम कहते हैं जनाब 1,20,000 divided by 40 ईयर्स। 50 साल में से 10 साल गुजर चुके हैं, बाकी कितने रह गए हैं? 40 साल। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कितना आ गया जनाब? तो कहते हैं ये आ गया 3,000। डेप्रिसिएशन इज 3,000। एंट्री आपको पता ही क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इसमें बैलेंस कितना आ जाएगा? 3,000। 11वें साल के एंड पे बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पे रिपोर्ट हो रही होगी? 1,20,000 माइनस 3,000, यानी कि 1,17,000। ठीक हो गया। सो वेन एन एसेट इज बीइंग रीवैल्यूड और वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन आफ्टर द रीवैल्यूएशन हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग
यूजफुल लाइफ, ये इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर, ठीक हो गया। अब आप इसको अगर कंपेयर करें 10वें साल के साथ, तो 10वें साल में डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, 2000 बिफोर द रिवैल्यूएशन, और आफ्टर द रिवैल्यूएशन कितनी आ रही है, 3000। इसका मतलब है 1000 का इंक्रीज आ गया। ये 1000 का इंक्रीज जो है ये एट्रीब्यूटेबल किसको है, टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये इस गेन की वजह से। अगर आप देखें 40,000 को अगर आप 40 से डिवाइड कर दें तो पर ईयर कितना बन रहा है, इज 1000। ये वही 1000 है इस डेप्रिसिएशन के अंदर बिल्ट इन हुआ है, जो कि रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू में जो आपने इंक्रीज रिकॉर्ड किया है, ये उसी का 1000 यहाँ पर आ रहा। अदरवाइज तो इसमें 2000 आ रही थी डेप्रिसिएशन पर ईयर ऐसी। अब आई 16 जो है फर्दर इसको आगे जब लेके चलता है, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम एक छोटा सा सवाल करेंगे। ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। आई 16 कहते हैं जी इट्स अ गेन, इट्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इट्स अ गेन बट इट इज एन अनरियलाइज्ड गेन। मतलब इसके अगेंस्ट कंपनी को कोई कैश इफेक्ट नहीं आया एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, ठीक। तो कहते हैं आप इट्स एन अनरियलाइज्ड गेन, इट्स अ नॉशनल गेन, कोई कैश इफेक्ट नहीं है इसके, आपने सिंपली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, एसेट को डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपने क्रेडिट कर दिया। सो इट शोज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, सो इट मीन्स इट्स अ गेन बट इट इज एन अनरियलाइज्ड गेन। इसको हम कहते हैं ये एक अनरियलाइज्ड गेन है बिकॉज एंटिटी डिडंट एक्सपीरियंस एनी कैश इफेक्ट ऑफ दिस गेन, सो इट इज एन अनरियलाइज्ड गेन, ठीक हो गया। अब आई 16 ये कहता है कि जनाब ये जो गेन है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, ये जनाब अनरियलाइज है एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, लेकिन ये गेन रियलाइज होगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, अगर वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, या फिर जब आप उसको अल्टीमेटली बेच देंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है इसके बारे में, और हम ये कह रहे हैं कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि ये गेन नहीं है, इट्स अ गेन बिकॉज इट शोज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ जाए और किसी दूसरे एसेट की वैल्यू में चेंज ना आए, यानी कि डिक्रीज ना आए, तो हमें पता है इसको गेन ही कहते हैं। तो हमने देखा अकाउंटिंग के अंदर अगर एक एसेट बढ़ता है तो नॉर्मल फिनोमेना यह है कि कोई दूसरा एसेट कम हो जाता, ठीक, या अगर एक एसेट बढ़ता है तो फिर दूसरी तरफ लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक हो गया। अब अगर हम कहें कि एक एसेट में इंक्रीज आया है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसकी दूसरी साइड पे ना लाइबिलिटीज में इंक्रीज आया ना कोई एसेट दूसरा कम हुआ है, तो फिर इसका मतलब है ये गेन ही है, देन इट इज अ गेन एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विटी होल्डर्स। तो हमने कहा जी रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ गेन, लेकिन आई 16 ये कह रहे हैं कि ये गेन जो है ये एक अनरियलाइज्ड गेन, इट इज एन अनरियलाइज्ड गेन। अब ये गेन जो है ये रियलाइज होगा, 16 ये कहते हैं ये रियलाइज होगा एक जब आप एसेट को बेच दें, तो ज़्यादा जब आप बेचेंगे तो ज़्यादा हायर वैल्यू पे बेचेंगे, कैश बिजनेस में इन होगा, गेन रियलाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। या जब आप एक डेप्रिसिएटिंग एसेट को कंज्यूम करते हैं, ठीक, तो कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब है कि आप उसका एक्सपेंस ले रहे हैं 3000 डेप्रिसिएशन, इट शोज द कंजम्पशन ऑफ अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। अब कंजम्पशन कैसे हो रही होगी, आप उससे कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को मिल रहा होगा, इसका मतलब है कि वो गेन जो आपने रिकॉर्ड किया है वो एसेट की कॉस्ट के अंदर जो आपने बिल्ट इन किया डेबिट, वो ओवर द ईयर क्या हो रहा है, रियलाइज हो। आई 16 इनकरेज करता है एंटिटीज को कि इस रियलाइजेशन ऑफ गेन की एंट्री की जाए, रिकॉर्ड किया जाए इसको, ठीक। तो रियलाइजेशन जब होगी तो आपने क्या एंट्री करनी है, बड़ी सादा सी एंट्री है, ये याद रखना, ये पेपर में आएगी भी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इसको आपने एंट्री करनी है जनाब रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। आपको तो यार पहले ही पता है, इंट्रो में तो नहीं है ये एंट्री,
दिस इज नॉट इन इंट्रो, R1 पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये डबल एंट्री, ये जर्नल जो है, ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है कि जनाब रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज हो? दो सूरतों में रियलाइज हो, एक जब आप एसेट को बेचते हो, लैंड फॉर एग्जांपल, लैंड का जो कि नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट है उसका गेन सिर्फ उसी वक्त रियलाइज होगा जब वो बिकेगी, लेकिन एक डेप्रिसिएटिंग एसेट जो है उसका गेन अगर आप उसको नहीं भी बेचते और उसको यूज करते हैं तो इन द शेप ऑफ कि आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसका गेन जो है वो ओवर द ईयर रियलाइज हो रहा है। लेकिन रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन कहां पे आ रही है? इट इज इन द स्ट्रेट अवे इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आ रही है। वो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे ये कहीं पे रिपोर्ट नहीं हो रही, ठीक। एक रिजर्व में से अमाउंट निकल के दूसरे रिजर्व में जा रहे। जैसे अगर मैं इस बिल्डिंग को देखूं तो 11वें साल क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज हुआ? तो हम कहेंगे बिल्कुल हुआ। कितने से हुआ? अब इसके बारे में कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, देयर इज नो एग्जैक्ट अमाउंट। सो इट्स एन जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। IS-16 कहते हैं इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कितना अगर रियलाइज हुआ होगा। दो तरीके हैं आप इसको कर सकते हैं। एक, जस्ट कंपेयर द ओल्ड डेप्रिसिएशन बिफोर द रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर द रिवैल्यूएशन। जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि हमारे एग्जांपल में कितना आ रहा है, 1000। दूसरा तरीका ये है कि ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पे बैलेंस पड़ा है इसको डिवाइड करें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज एन अप्रोक्सीमेट टू द रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यू। क्योंकि इसने ओवर द ईयर रियलाइज होना है तो रिमेनिंग ईयर्स में रियलाइज हो। तो अगर आप 40,000 को 40 से डिवाइड करें तो यू विल अगेन गेट 1000। सो इट्स एन अप्रोक्सीमेशन अमाउंट। अगर आपके जेहन में ये आए कि एग्जैक्ट हमें पता चलता है कितना गेन हर साल रियलाइज हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन वी जस्ट कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट। और ये कितना बन जाएगा हमारे एग्जाम्पल में? इट इज 1000। और अगर मैं बिल्डिंग को सेल कर दूं तो ये सारे का सारा गेन इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा, ठीक। जितना भी उसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है सब का सब इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा। एंट्री यही रहेगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो जितना बैलेंस पड़ा होगा इधर, फॉर एग्जांपल आफ्टर 1000 देयर इज 39,000, हम कहें जी हमने इसको बेच दिया, तो मैं यही एंट्री कर रहा हूँ और कितनी अमाउंट से कर रहा हूँ? 39,000। सो रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बाय IS-16 के तमाम कंपनीज को ये करना ही पड़ेगा। सो जस्ट कि आपको 16 इनकरेज करता है कंपनीज को कि आप ऐसा करें, रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिकॉर्ड किया करें। और क्या एंट्री करेंगे हम जनाब? रिजर्व डेबिट, रिटेन अर्निंग्स। इसका मतलब है कि जनाब कैपिटल रिजर्व में से अमाउंट को ट्रांसफर किया जा रहा है इनटू द रेवेन्यू रिजर्व। इक्विटी इज अ कैपिटल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल जो प्रॉफिट बच जाता है उसको आप रिटेन्ड अर्निंग में पूल कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये रेवेन्यू रिजर्व, ठीक। या फिर हम कहते हैं जनाब इट्स जस्ट एन एंट्री कि अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। आपने पढ़ा होगा लॉ कि कंपनी को डिविडेंड जब देती है शेयर होल्डर्स को तो वो रिटेन अर्निंग में से जाते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप डिविडेंड नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे आप उस नोशनल गेन को अर्न करते जा रहे हैं तो आप उसमें से गेन निकाल करके इधर लेके जाते जाए डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व के अंदर। सो इट्स जस्ट दिस एंट्री। आपने जो याद रखना है वो सिंपली ये है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। किस चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है? रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक हो गया जनाब। ले जी, अब हम जनाब एक छोटा सा सवाल देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अभी ये पूरा नहीं हुआ टॉपिक, अभी ये कल मंडे को कहीं जाके होगा।
Company purchased a fixed asset for ₹100,000 on 1st January 1992 with an estimated useful life of 10 years. On 1st January 1995, asset was revalued to ₹140,000. On 1st January 1998, it was sold for ₹100,000. ठीक हो गया जनाब, 95 में आपने इसको रीवैल्यू किया और 98 में आपने इसको बेच दिया. रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द नॉन करंट एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन एंड डिस्पोजल. जनाब ओपन करें अकाउंट, जरा अपने पास नोटबुक खोलें, ओपन करें अकाउंट. अब अकाउंटिंग ये शुरू होगा जनवरी 95, ऐसे जिस साल रिवैल्यूएशन हो रही. इससे पहले कितने सालों के डेप्रिसिएशन वो ले चुका है, 92, 93 एंड 94. इसका मतलब अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा 30,000, ऐसे 30,000, नॉट 20,000, इससे 30,000. आप 20,000, आप फिर 94 का अकाउंट बना रहे. अगर आप 20,000 लें फिर आप 94 की डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर जकम जनवरी 95 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, दैट इज 30,000. ठीक, और एसेट अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा होगा, 1,00,000. अब आप रिवैल्यूएशन कब कर रहे हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग. मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा था उसमें हम रिवैल्यूएशन कर रहे थे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग. थोड़ा सा आपने सेंसिबल रहना. सो इट इज स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे रिवैल्यूएशन. 30,000 इसका बैलेंस है. अब आप यकम जनवरी 95 को जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो हमने कहा ना बड़ा सादा सा स्टोरी है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे 30,000 से डेबिट हो गया. रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट विद द डिफरेंस ऑफ द कैरिंग वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू. कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1,00,000 माइनस 30, 70,000. फेयर वैल्यू कितनी है, 1,40,000. टोटल कितना आ गया, 70,000. डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000. किसको डेबिट होगा, सही हो गया जनाब. अब आप इसके साथ अमाउंट लिख दो, रीवैल्यूएशन रिजर्व बिल्डिंग अकाउंट accumulated depreciation account, और यहां पर आप लिखते हैं revaluation. यकम जनवरी 95 को revaluation हो गई. अब 31 दिसंबर 95 आएगा, उस साल की depreciation आपने ले. कैसे calculate होनी है, revalued amount divided by remaining useful life. रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 140,000. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 साल. तो कितना आ गया, 20,000. इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन हम लेंगे 31 दिसंबर 95, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट विद 20,000. एक साल आपने बिल्डिंग यूज कर ली, रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज हो गए. कितने से रियलाइज हुए, तो हम कहते हैं जनाब 10,000 से रियलाइज हो. ऐसे ही है, पहले कितनी डेप्रिसिएशन पर ईयर है, 10,000. अब कितनी आई है,
20, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आई है ड्यू टू द रिवैल्यूएशन? 10,000. सो अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व कितनी है? 10,000. क्या एंट्री करनी है हमने? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10,000. 31 दिसंबर 95 क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 140. इधर कितना आएगा? 20,000. इधर कितना बैलेंस आ जाएगा? 60,000. रीओपन कर ले अकाउंट January 96 बैलेंस 140,000. ऐसे इसका कितना बैलेंस आ जाएगा जनाब? 20,000. और इधर आप बैलेंस टीचर ले आएंगे जनाब 60,000. 60,000. जी हो गई ना. तो वहां पे अगर यहाँ पर 30 लिखोगे फिर यहाँ पे 70 लिखोगे तो नेट डेबिट कितने का है? मैंने दो लिखे ना साथ, बिल्डिंग ऑब्लिग अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मैंने कंपाउंड एंट्री पास की, जो जो कंपाउंड एंट्री थी वो मैंने पास कर दी. अगर आप दो एंट्रीज करोगे तो आप पहले एंट्री करोगे अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट विथ 30,000. फिर आप एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व विथ 70,000. तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? 40. तो मैं वैसे ही 40 लिखती हूँ. बैलेंस इसका 140 आएगा. यहाँ पे मैंने दो अकाउंट लिखे हैं, बिल्डिंग एंड अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन. 40 बिल्डिंग का है, 30 अकॉमुलेटेड का, मिला के 70 हो गया. ले जरा 96 आ गया. आप 96 आपने एसेट बेचा कब है? 98 के शुरू में. इसका मतलब आपको अभी और 2 साल आगे जा रहे. ऐसे एक साल और की डेप्रिसिएशन ले ले, कितनी आएगी जनाब? 96 20,000. बैलेंस कितना आ गया जनाब? 40,000. इस पे कितना बैलेंस आ गया? रिमेन सेम 140,000. और इधर एक दफा फिर रियलाइजेशन होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स 10,000. सो व्हाट इज द बैलेंस नाउ? बैलेंस इज 50,000. फिर रीओपन कर ले जनाब अकाउंट. अब कौन सा साल आ गया हमारे पास? 97. और इसका बैलेंस आ गया हमारे पास 50,000. इधर कितना बैलेंस आ गया जी हमारे पास? 40,000. 97. फिर डेप्रिसिएशन ले ले जनाब, कितनी आ गई? 20,000. बैलेंस आ गया जनाब इसका हमारे पास 60,000. इधर हमारे पास बैलेंस है 1,40,000. इधर बैलेंस है हमारे पास, रियलाइजेशन होगी फिर एक दफा, रिटेन्ड अर्निंग्स 10,000. नाउ वी आर लेफ्ट विद द बैलेंस 40,000. आ गया जनाब हमारे पास जकम जनवरी 98. ऐसे ही है. और अब हमने इसको क्या किया है? बेच. यानी कि आपको 98 की डेप्रिसिएशन अब नहीं लेनी, क्योंकि आप 1 जनवरी 98 को एसेट को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं. डिस्पोजल की एंट्री करनी है अब. ठीक हो गया. क्या एंट्री करेंगे हम डिस्पोजल की? अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? 60. साल लिख दें डिस्पोजल. डिस्पोजल हो गया 60,000. फिर उसके बाद आपने क्या करना है? एसेट अकाउंट क्रेडिट डिस्पोजल 140,000. कितने का बेचा? 100,000. कैश अकाउंट डेबिट विद 100,000. ठीक.
तब आप देखें कि क्या सूरत हाल बनी कि आपके पास कितना गेन आ रहा है, 20,000 का गेन आ रहा है, इट्स 20,000 गेन। कैसे एंट्री कर रहा हूं मैं, बड़ी सादा सी, एक आपने इसको शॉर्टकट वर्जन में कर सकते हैं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट विद 60,000, टू बिल्डिंग विद 140,000, कैश अकाउंट डेबिट विद 100,000। बिल्कुल उसी तरह वेयर वी नीड द बैलेंसिंग फिगर, वी नीड द बैलेंसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड, सो इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है कितने से, 20,000, सो इट्स अ गेन ऑन डिस्पोजल, टू गेन ऑन डिस्पोजल, ये डी रिकग्निशन हो गई, एसेट डिस्पोज हो गया, इसका बैलेंस भी निल हो गया, इसका बैलेंस भी निल हो गया। अब बाकी वजह एक अकाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक, इस पे बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 40,000। अब देखें यहां पर क्या एंट्री करनी है हमने, पहले हम रियलाइज कर रहे थे ईयर बाय ईयर, अब चूंकि हमने बिल्डिंग बेच दी तो सारे का सारा रिजर्व इमीडिएटली रियलाइज हो, तो एंट्री वही रहेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, अमाउंट क्या आएगी अब, बस ये होगा, इमीडिएट रियलाइजेशन होगी सारे के सारे, एंट्री वही है, अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, घर में जाके इसको देखिएगा दोबारा और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपने घर जाके ट्राई किया, 20 पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 4 घर पे आपने ट्राई कर, थैंक यू।